हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 9 है और जो मुझे कल तक जितने क्वेश्चन मिले हैं मैं उनका एक एक करके आंसर दे रहा हूँ। प्लीज बेटा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था कि हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसका आंसर बेटा है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एक बात और बता दूं अर्नेस्ट मेयर के बारे में बेटा, ही अवॉर्डेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, दैट मीन्स बालजन प्राइज एंड इंटरनेशनल अवार्ड फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज, तीनों प्राइज इनको मिले थे। तो ये क्वेश्चन भी संभावित है नीट 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक्सीटॉक्सिन क्या है। सैक्सीटॉक्सिन एक सब्सटेंस है जो गोनियोलक्स या रेड डाइनोफ्लैजलेट रिलीज करता है, जिसके कारण पूरा का पूरा सी रेड हो जाता है। और ये टॉक्सिक भी है फिश के लिए, पैरालिसिस कर देता है फिश में, इसीलिए इसको पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम PSPP बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो था कि SARS किसको कहते हैं। तो बेटा बता दूं SARS का फुल फॉर्म है SARS, मींस S फॉर सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस। लेकिन एक बात और, ये आजकल जो कोरोना वायरस है उसके जैसा नहीं है, उसी फैमिली का तो है, लेकिन ये कोरोना वायरस COVID-19 है और ये SARS काफी पहले आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरियोप्सिस फ्रूट, व्हाट इज द कैरियोप्सिस फ्रूट। तो बेटा बता दूं कैरियोप्सिस फ्रूट मींस होता है व्हेन सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल इज फ्यूज टूगेदर, देन इट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा गेहूं, गेहूं के दाने को बीज नहीं कहते, सीड नहीं कहते, गेहूं का दाना कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सीड वॉल एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड होती है जो कैरियोप्सिस है। इसको और अगर देखें तो जो बीज होते हैं मेज इसका एग्जाम्पल भी है, राइस भी है, और ये आपको NCERT में इसका फिगर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा कि व्हाट इज स्कूटेलम। तो बेटा याद करो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो चैप्टर था उसके अंदर स्कूटेलम एक वर्ड आया है। स्कूटेलम मोनोकॉट में है, मेज सीड का फिगर बना हुआ है NCERT में, उसको ध्यान से देखिएगा। और उस फिगर में दिया है, तो जो आप देखते हैं मेज सीड में जो क्या कहते हैं इसके अंदर जो लार्ज साइज का होता है सिंगल कॉटिलेडन, मेज में मोनोकॉट है, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है और सिंगल कॉटिलेडन बड़ा होता है, प्लस ये इसका शेप जो होता है वो सील्ड शेप होता है, इसको स्कूटेलम कहते हैं, स्कूटेलम। और दूसरी बात एक और बता दें कि ये इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल भी पाए जाते हैं। प्लूम्यूल जो होता है इसकी आउटर कवरिंग होती है जो उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, जबकि रेडिकल की आउटर कवरिंग को हम कोलियोराइजा कहते हैं। और ये फिगर भी NCERT में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बना है, आप ध्यान से देखिए। दो बार इस फिगर से क्वेश्चन भी आए हैं नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और दोनों कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा ये हमें मोनोकॉट में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि मोनोकॉटिलेडन सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो बेटा मैं बता दूं कि एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि जिन सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइकॉट, जैसे NCERT के एग्जांपल हैं पी है, ग्राम है, बीन है, ये सारे के सारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, दैट मीन्स इनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं उनको, और ये मोनोकॉट होते हैं। लेकिन ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, यानी कि वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। एक ऐसा मोनोकॉट जो नॉन एंडोस्पर्मिक है उसका एग्जांपल ऑर्किड, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि एल्यूजोन लेयर क्या होती है मोनोकॉट में। तो मैं बता दूं बेटा, जो मोनोकॉट में आपने देखा होगा कि मेज एग्जांपल दिया है NCERT में, मेज में फिगर में देखिए
एंडोस्पर्म जो होता है मेंस का वो बल्की होता है, और इसकी आउटर कवरिंग को हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है। इसका फंक्शन मेन ये होता है कि जब भी सीड को हम पानी के अंदर डालते हैं और जैसे ही पानी इससे मिलता है तो एल्यूरोन लेयर के जो एंजाइम होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, ये लास्ट क्वेश्चन था, और आज फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही 24 आवर्स क्वेश्चन आप पूछते रहिए, जिनके जवाब मैं आपको देता रहूंगा। नीट 2020 की अच्छी से तैयारी करिए, एग्जाम की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जब होना होगा तब होगा, जब डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है इससे हमें नहीं लेना देना, जब एग्जाम होगा तब हमें एग्जाम देना है, और मैं आपके साथ पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ। आप ऐसे ही क्वेश्चन लगातार पूछते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक।